टीवी और बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस अभिनेत्री सुरेखा सीकरी का आज कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया। वो पिछले काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी और यहां तक कि कुछ समय पहले ये भी खबरें आई थी कि सुरेखा सीकरी आईसीयू में भर्ती हैं। ब्रेन स्ट्रोक के चलते सुरेखा सीकरी की हालत काफ़ी क्रिटिकल थी। लगभग सुरेखा सीकरी को कई दिनों तक आईसीयू में ही रखा गया था। अस्पताल की तरफ से भी इसको लेकर बयान जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि सुरेखा सीकरी पर इलाज का कोई असर नहीं हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अभिनेत्री की बॉडी इलाज पर परफॉर्म नहीं कर रही थी। उनका इलाज कर रहे न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर आशुतोष शेट्टी ने बताया था कि ब्रेन स्ट्रोक के चलते उनके दिमाग में एक ब्लड क्लॉट बन गया है, इसकी वजह से उनकी हालत और बिगड़ गई है। डॉक्टर्स इस ब्लड क्लॉट को दवाइयों की मदद से हटाने की योजना बना रहे थे। इतना ही नहीं, उनके फेफड़ों में भी पानी जमा हो गया था। डॉक्टर्स का कहना था कि इस पानी को निकाला जाएगा और टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सुरेखा सीकरी के जल्द स्वस्थ होने की फैंस दुआ कर रहे थे, लेकिन आज सुबह सुरेखा सीकरी इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। सुरेखा सीकरी का एक पुराना वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था। इस वीडियो में अभिनेत्री व्हील चेयर पर मज़े में डांस करती हुई नजर आ रही थी। बैकग्राउंड में जस्सी गर्ल का गाना औकात बज रहा था। दादी साहब खूब मजे लेते हुए डांस कर रही थी। लोगों को उनका ये डांस वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा था। रिपोर्ट्स के अनुसार ये पहली बार नहीं था जब सुरेखा सीकरी को ब्रेन स्ट्रोक आया। फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए मशहूर सुरेखा सीकरी को इससे पहले नवंबर 2018 में भी ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। उस दौरान एक्ट्रेस पैरालाइज्ड हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वो शूट के दौरान ही गिर पड़ी थी, जिसके बाद एक्ट्रेस की तबीयत में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। एक्ट्रेस की देखभाल के लिए उनके घर पर एक नर्स भी मौजूद थी। अभिनेत्री की नर्स ने बताया था कि सुबह 11 बजे सुरेखा सीकरी अपने घर में जूस पी रही थी कि अचानक उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ, जिसके बाद उन्हें नज़दीकी क्रिटी केयर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। नर्स ने एक्ट्रेस के लिए आर्थिक मदद की मांग भी की थी।